जी फाइव ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। आपका प्रपोजल मुझे मंजूर है। नहीं है ऊपर से आप आपके आधी उम्र के लड़के के साथ शादी कर रहे थे। लोग आपकी मर्दानगी पर उंगली उठाएंगे। रानो, बानी कहाँ है? पता नहीं, मैं उन्हीं को ढूंढ रही थी। अरे भाई जया पिया आ गए, कमान चलो चलो चलो। ये सब करने की क्या जरूरत थी? और जरूरत थी पुत्र? अरे दुल्हन शादी के बाद पहली दफा घर में आई है तो शगुन तो होना ही चाहिए ना। समझता ही नहीं। शादी के काम में लगाकर भाग गई पिया। अपनी इज्जत बचाने का इसके पास और कोई रास्ता नहीं था। अपनी इज्जत बचाने का बानी के पास और कोई रास्ता नहीं था ना, इसलिए शादी के मंडप में पिया की जगह बानी खुद दुल्हन बनकर बैठ। मैंने तो पहले कहा था उठी इतनी लड़कियों पर भरोसा मत करना, लेकिन मेरी कौन सुनता है। अब देखिए ना क्या हो गया। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझ पर। ये गुस्सा अपने पास ही रखना। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती बानी। नए रिश्ते जोड़ने से इंसान की औकात नहीं बदलती। अरे तुम दोनों क्या जानो इज्जत क्या होती है, नाम क्या होता है। बस कीजिए, आप कैसे बात करें मेरी दीदी के साथ? ए लड़के, ऊंची आवाज में बात मत करना मुझसे, समझी? तुम तो चींटी के भी पर निकला है। तुम्हारी बहन ने इतना बड़ा धोखा दिया और तुम औकात में रहना अपनी। तेरे बाप का घर नहीं है ये। इसके बाद तुम तीनों की जिंदगी खत्म।
एक एक खुशी के लिए तरसोगे तुम लोग। तिल तिल कर मरते हुए देखूंगी मैं तुमको, मुझे बहुत खुशी होगी इस बात की। तुम एड़ियां रगड़ रगड़ कर इस घर की दहलीज पर अपना दम तोड़ोगी, तुम्हारा तो भगवान ही मालिक। जिस दिन जय भैया इस सदमे से बाहर आएंगे ना, उस वक्त छोड़ेंगे नहीं तुम तीनों को। मेरी दिली तमन्ना थी, इच्छा थी एक मेरी कि जय भैया तुम तीनों को धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाले, तुम तीनों सड़क पर आ जाओ। पर आज शायद भगवान ने मेरी सुन ली। जय भैया की मेहरबानी के अलावा कुछ नहीं था तुम तीनों के पास। माँ बाप तो पहले ही साथ छोड़कर चले गए, अब ये बहन भी भाग गई, अब क्या होगा तुम दोनों का? तुम तो अपनी बहनों के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करती थी। अब क्या हुआ? सांप क्यों सूंघ गया? अचानक बोलना कैसे भूल गई मामी जी? लो, मामी जी की बहन को तो गुस्सा आ गया। रणवीर, मामी को इस तरह से परेशान नहीं करते। जानते नहीं आज तुम्हारी मामी की सुहागरात है। मैं इनको उनके कमरे में छोड़कर आती, जय भैया के कमरे में। चलिए भाभी। कुछ भी करो, कैसे भी करो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। मुझे उस लड़की के बारे में पूरी खबर चाहिए। चप्पा चप्पा छान मारो, कहीं से भी कैसे भी उस लड़की को तुम ढूंढ निकालो। और अगर ये काम तुमसे नहीं हुआ ना, तो तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा मैं, समझे? जय भैया, आपकी दवाई का वक्त हो गया है, दवाई ले लीजिए। जिज्ञासा, ये लड़की मेरे कमरे में क्या कर रही? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां तक आने की? जय भैया, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? गुस्सा? इन बहनों ने मेरा गुस्सा देखा नहीं है अभी तक। जिज्ञासा, आई डोंट वॉन्ट दिस गर्ल इन माई रूम। सुना तुमने? आई डोंट वॉन्ट यू इन माई रूम। निकल जाओ यहां से, तुम दफा हो जाओ। पल भर में सब कुछ बदल गया ना पानी। इसके बाद तुम्हारी जिंदगी खत्म। कोई है भी नहीं तुम पर तरस खाने वाला सिवाय मेरे। ये शादी और ये सुहागरात तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगी, है ना? तुम्हारे पति के दरवाजे तो तुम्हारे लिए बंद हो गए, कहाँ जाओगी अब तुम? एक कमरा तो है, गेस्ट रूम, और तुम्हारी छोटी बहन तो अभी बची है, तुम्हें अपने कमरे में देखकर बहुत खुश हो जाएगी। जाओ अपने गेस्ट रूम में जाओ। चलो 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 बानी, निकलो गेस्ट रूम में जाओ। चलो चलो जल्दी निकलो। मिसेस कोटनिस, हाउ आर यू? जिज्ञासा, नहीं आप हमेशा कहती है ना कि आपके न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज के लिए मैं वालिया मैंशन से कोई धमाकेदार न्यूज़ नहीं आपको देती। मैंने सोचा आपकी ये इच्छा भी मैं पूरी कर दूं। जी हाँ, धमाकेदार न्यूज़, जय वालिया की शादी से जुड़ी हुई धमाकेदार न्यूज़। जाने क्या पल में यहाँ पे हो
Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।